हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत अपने चैनल हेल्थ यानकास्ट 24 में। तो फ्रेंड्स, आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया तो समझो वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए होता है मेडिकल लाइन में, और मेडिकल मतलब स्टोर खोलने वाले के लिए, मतलब जो लोग स्टोर खोलने वाले हैं मेडिकल, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि प्लस फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ 165 प्लस मेडिसिन के बारे में, इनके यूज़ क्या होते हैं और मतलब कैसे यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हर रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि हर वीडियो आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सारी कैटेगरीज के बारे में एक वन बाई वन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेन किलर की जो कैटेगरी है उसके बारे में। जो फ्रेंड्स पेन किलर टैबलेट्स होती हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स पैरासीटामोल टैबलेट। तो पैरासीटामोल आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फेमस है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, पैरासीटामोल हो गई नंबर वन। फिर बात करते हैं आइब्रूफेन प्लस पैरासीटामोल। तो जो कैटेगरी है पेन किलर उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो दवाइयाँ दर्द में दी जाती हैं जैसे कि आइब्रूफेन प्लस पैरासीटामोल हो गया। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जब आइब्रूफेन और पैरासीटामोल का ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं जब ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा हो, या फिर एंटीपायरेटिक मेडिसिन साथ में लगा देते हैं पैरासीटामोल, जो कि आपको रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर के भी काम आएगी। अगर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है तो उस टाइम पर पैरासीटामोल आप बहुत अच्छे से काम करेगी। फिर आता है फ्रेंड डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल। तो कुछ टैबलेट आती है फ्रेंड्स डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में, तो ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स दर्द और बुखार के लिए। फ्रेंड्स फिर कॉम्बिनेशन आता है एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल का, तो ये भी दर्द और बुखार दोनों में दी जाती है फ्रेंड्स। फिर आता है फ्रेंड्स आइब्रूफेन 200 mg एंड आइब्रूफेन 400 mg। तो फ्रेंड्स ये भी दर्द में काम की जाती है, बहुत अच्छी काम करती है। 200 mg अगर कम पेन हो रहा है तो उस टाइम पर दे सकते हैं, अगर बुखार मतलब ज़्यादा तेज पेन है तो उस टाइम पर आइब्रूफेन 400 mg भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। एक आता है फ्रेंड्स डाइक्लोफेनिक 50 mg। तो डाइक्लोफेनिक 50 mg में अभी आती है एक टैबलेट, और एक आती है डाइक्लोफेनिक 100 mg SR, तो उसमें भी आती है। तो ये दोनों दर्द के लिए दी जाती है फ्रेंड्स। जब कम होता है दर्द तो कम मतलब कम एमजी वाली दे देते हैं, और ज़्यादा आ रहा होता है उस टाइम पर, ज़्यादा तेज़ बुखार हुआ तो उस टाइम पर हाईली पेन के लिए उसे 100 mg SR में दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डाइक्लोफेनिक 50 mg मतलब अगर कोई कम एज का बच्चा वगैरह है तो उस टाइम पर भी इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। और एक ऐसी 100 mg, तो ये तब जी जाती है जब किसी को ज़्यादा पेन हो रहा हो और उम्र थोड़ी ज़्यादा हो उसकी एडल्ट हो फ्रेंड्स, तो इसके लिए उसको यूज किया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स टर्माडोल प्लस पैरासीटामोल। तो इसका भी एक कॉम्बिनेशन आता है, ये भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स आता है टर्माडोल कैप्सूल 50 mg और 100 mg। तो टर्माडोल 50 mg में भी आता है कैप्सूल और 100 mg में भी आता है, तो ये भी अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखना चाहिए। एक आता है फ्रेंड्स डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल प्लस क्लोरजैक्सन। तो ये भी तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है, तो ये भी आपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए फ्रेंड्स। एक आता है आइब्रूफेन पैरासीटामोल और क्लोरजैक्सन, तो इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बिकता है, तो ये भी अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखनी चाहिए फ्रेंड्स। एक आता है फिर डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल और सेरीपेप्टिडोज। तो ये भी बहुत अच्छी है दर्द बुखार और स्वेलिंग के लिए, सेरीपेप्टिडोज एंटी मतलब स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो उस टाइम पर सेरीपेप्टिडोज दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। फिर आता है फ्रेंड्स एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल सेरीपेप्टिडोज, तो ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी इसका भी कॉम्बिनेशन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सेरीपेप्टिडोज 10 mg टैबलेट के। तो फ्रेंड्स किसी को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है तो उस टाइम पर सेरीपेप्टिडोज की अलग से टैबलेट भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो पेन किलर की एक कैटेगरी थी। अब दूसरी पेन किलर की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्टमक पेन में दी जाती है फ्रेंड्स, स्टमक पेन हो रहा है, जैसे कैटालॉग टैबलेट हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, दी जाती है। और कैटोल डीटी आती है तो उस टाइम पर उसको भी आप मेडिकल स्टोर पर रखिएगा। एक आता है फ्रेंड्स मैफनेमिक एसिड। तो मैफनेमिक एसिड फ्रेंड्स क्या होता है कि ये दर्द वगैरह होता है पेट का, तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छे से काम करती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टैबलेट है। 250 mg में आती है, 125 mg में भी आती है फ्रेंड्स। फिर है फ्रेंड्स निमोसलाइड 100 mg टैबलेट। तो निमोसलाइड को भी मेडिकल स्टोर पर रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट्स हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई पेन किलर की कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज के बारे में, अब हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन। तो
तो विटामिन मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो विटामिन में फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं विकासूल कैप्सूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो फ्रेंड्स विकासूल कैप्सूल आते हैं, एक न्यूरोबन 4 टैबलेट आती है, तो ये भी मल्टी विटामिन होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है। फिर फ्रेंड्स आता है फोलिक एसिड टैबलेट, तो फोलिक एसिड फ्रेंड आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस टाइम पर फोलिक एसिड को दिया जाता है, तो एनीमिया को कम मतलब एनीमिक जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। फिर आता है फेरासल्फेट एंड फोलिक एसिड टैबलेट, तो ये भी एनीमिक पेशेंट में ही दी जाती है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी टैबलेट है। फिर आता है फ्रेंड्स कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट्स, तो कैल्शियम के लिए जब फ्रेंड्स जब किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो ये आपकी कैल्शियम की टैबलेट्स भी आपको रखनी होंगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में, तो विटामिन ई कैप्सूल आप जानती हैं सौंदर्य का कैप्सूल भी बोल सकते हैं इसको, काफ़ी लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है विटामिन ई को, काफ़ी तरह से लोग यूज़ करते हैं चेहरे में, चेहरे को मतलब चेहरे पे भी लगाते हैं और बालों को सिल्की करने के लिए बालों को शैम्पू वगैरह भी यूज़ करते हैं इसे, तो इसका काफ़ी यूज़ है बहुत ही ज़्यादा, और स्किन को शाइनिंग रखने के लिए और स्किन को जवा रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है। फिर आती है विटामिन सी टैबलेट, तो विटामिन सी आप जानते हैं फ्रेंड्स इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टैबलेट है, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स, तो इसका यूज़ भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी के बारे में आप जान ही गए होंगे, अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो उस टाइम पर इस टैबलेट को दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है, तो आप इसे किसी मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं और अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखना है। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट आपके मेडिकल स्टोर के लिए ही मैं बता रहा हूँ और थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल सके। बात करते हैं दूसरी कैटेगरीज के बारे में, तो अब आते हैं आई ड्रॉप्स के बारे में, जो आई ड्रॉप्स कौन कौन से होते हैं जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए फ्रेंड्स। तो आई ड्रॉप्स भी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में हम कुछ पॉपुलर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स सिप्रोफ्लेक्सेसन आई ड्रॉप, तो सिप्रोफ्लेक्सेसन आई ड्रॉप अपने मेडिकल स्टोर पर रखिएगा, मतलब आँखों में पानी वगैरह आता है तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है और आँखें चिपक रही होती हैं या फिर इन्फेक्शन वगैरह होता है कोई, तो एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, बहुत अच्छा ड्रॉप है फ्रेंड्स। फिर आता है सिप्रोफ्लेक्सेसन आई ऑइंटमेंट, तो आई ऑइंटमेंट सिप्रोफ्लेक्सेसन आता है, तो ये भी अपने मेडिकल स्टोर पर आप रखिएगा। एक आता है फ्रेंड्स क्लोरफेनमिकल आई कैप्स, तो इसके कैप्सूल भी आते हैं, तो क्लोरफेनमिकल कैप्सूल आते हैं काफ़ी फ्रेंड्स, तो एक छोटी वाली आप भी आते हैं निमकोली बोलते हैं, तो छोटी छोटी होती है तो वो भी क्लोरफेनमिकल ही होता है, उसमें आई ज्योति टैब्स की आते हैं कुछ ब्रांड नेम आई ज्योति, तो फ्रेंड्स इसको यूज़ करिएगा। और फिर आता है सिप्रोफ्लेक्सेसन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप्स, तो इसके दोनों को कॉम्बिनेशन में भी आते हैं सिप्रोफ्लेक्सेसन एंड डेक्सामेथासोन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें स्टेरॉइड साथ में और प्लस एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स। अब आता है टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप्स, तो टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन दोनों ही फ्रेंड अच्छे कॉम्बिनेशन है और अच्छे से आपको सपोर्ट करेंगे आपके आँखों को। और फ्रेंड्स बात करते हैं कार्बोक्सिल सॉल्यूज आई ड्रॉप्स, तो कार्बोक्सिमिथाइल सॉल्यूज भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड फ्लू वाइफ्रोफेन आई ड्रॉप्स, तो इसका भी यूज़ किया जाता है आँखों के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो आई ड्रॉप्स की कैटेगरी होगी, अब बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, तो फ्रेंड्स अगली कुछ प्रिपरेशंस हैं जैसे कि टॉपिकल प्रिपरेशन क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट, मतलब टॉपिकल प्रिपरेशन जो बाहरी त्वचा पर लगाई जाती हैं जैसे क्रीम्स हो गई ऑइंटमेंट्स हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में, तो पोविडिन आयोडीन आपको काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है पोविडिन आयोडीन। इसमें क्या होता है कि बीटाडीन सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है इसका, बीटाडीन तो बहुत ज़्यादा बिकने वाला है ये फ्रेंड्स, मतलब बोल सकते हैं आप जख्म को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है फ्रेंड्स। पोविडिन आयोडीन गार्गल भी होता है फ्रेंड्स, पोविडिन आयोडीन गार्गल में क्या होता है कि माउथ में अगर कोई दिक्कत हो जाती है जैसे माउथ अल्सर वगैरह हो जाते हैं, माउथ अल्सर है माउथ में कोई जख्म हो गया है तो उस टाइम पर माउथ गार्गल का यूज़ किया जाता है, उसको भी पोविडिन है उसको भी जख्म को सुखाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पोविडिन आयोडीन लिक्विड, तो लिक्विड के बारे में भी आप जानते होंगे फ्रेंड्स, मैं बता दूं लिक्विड का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स जैसे कि कोई बड़ी चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें पट्टी बांधने की डॉक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखनी है। अब बात करते हैं सिल्वर सल्फा डाइजेंस क्रीम, तो ये भी फ्रेंड्स अच्छी है क्रीम्स, इसका यूज़ किया जाता है जले कटे पे, इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से किया जाता है। फिर सिल्वर सल्फेट हो गया, ये भी जले कटे में अच्छे से काम करती है। फिर आ गया सोफ्रामाइसिन क्रीम, सो इसका भी यूज़ जले कटे के लिए किया जाता है, अगर चेहरे के नुकसान वगैरह हैं तो उस टाइम पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है डाइक्लोफेनिक जेल, तो डाइक्लोफेनिक जेल आपको बता दूँ फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है दर्द के लिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या हो रही है तो उस टाइम पर डाइक्लोफेनिक जेल का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जेल है, इसका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है डाइक्लोफेनिक स्प्रे,
तो फ्रेंड्स डाइक्लोफेनिक स्प्रे का भी काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज चल रहा है इस टाइम पर। डाइक्लोफेनिक स्प्रे क्या होता है कि स्प्रे की तरह एक स्प्रे आता है फ्रेंड्स, तो उसे आप दबाइएगा और उसमें जो स्प्रे लगेगा आपके वहाँ पर जिस एरिया में लगेगा उस टाइम पर वहाँ पर दर्द हो रहा होगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो डाइक्लोफेनिक स्प्रे का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्लोट्रिमाजोल, तो क्लोट्रिमाजोल क्रीम आती है, काफ़ी एंटी फंगल क्रीम होती है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करती है दांत खाज खुजली के लिए। तो क्लोट्रिमा क्रीम भी आती है फ्रेंड्स, कुछ आते हैं क्लोट्रिमा पाउडर, क्लोट्रिमाजोल पाउडर। तो क्लोट्रिमाजोल पाउडर भी एंटी फंगल होते हैं, अगर कहीं पर किसी को दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पर आपको क्लोट्रिमाजोल पाउडर भी आपको रखना है और उस ट्रीटमेंट में आपको क्लोट्रिमाजोल पाउडर भी दे सकते हैं क्योंकि एंटी फंगल के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। फिर आता है क्लोट्रिमाजोल बैक्लोमिथासोन न्यूमाइसिन, तो उसमें क्लोट्रिमाजोल बैक्लोमिथासोन और न्यूमाइसिन का तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करते हैं ये ऑइंटमेंट। फिर आता है किटकोनाजोल क्रीम, तो किटकोनाजोल क्रीम भी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी की होती है, थोड़ा क्लोट्रिमाजोल से थोड़ा अच्छी क्वालिटी की होती है किटकोनाजोल, जो भी आपको दांत खाज खुजली के लिए हमेशा यूज़ की जाती है दांत के लिए ज़्यादा बेसिकली। लुलिकोनाजोल फ्रेंड्स, लुलिकोनाजोल क्रीम भी बहुत अच्छी है, थोड़ी महंगी क्रीम है, महंगी ब्रांड है, इसमें कुछ ब्रांड नेम पॉपुलर जैसे कि लिलीफिन हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगी क्रीम है, लेकिन इसका यूज़ हमेशा अच्छे रिजल्ट के लिए किया जाता है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेस्ट ही मिलता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्लोबेटासोल क्रीम के बारे में, तो क्लोबेटासोल क्रीम भी काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड, इसका यूज़ किया जाता है दांत खाज के लिए। और फिर आता है क्लोबेटासोल जेंटामाइसिन क्रीम, तो ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से दांत खाज के लिए भी किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो टॉपिकल प्रिपरेशंस हो गई, अब बात करते हैं मेडिसिन फॉर फीमेल्स के। तो मैं फ्रेंड्स, फीमेल्स में मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, फीमेल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्थस्पर्न 5 mg टैबलेट हो गई, मालायन हो गई, माला डी हो गई फ्रेंड्स। जब क्या होता है कि पीरियड्स आगे पीछे आ जाता है या फिर पीरियड्स को बढ़ाने के लिए इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होती हैं तो इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी अच्छे से। तो जो फीमेल्स में की जाती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो माला डी हो गई जो पॉपुलर है काफ़ी, ओवरऑल एल टैबलेट हो गई, ओवरऑल जी टैबलेट हो गई फ्रेंड्स, और सहेली टैबलेट हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ये आपको मेडिकल स्टोर पर हम लोग रखनी चाहिए हमेशा। फिर बात करते हैं ट्रनेक्जमिक एसिड एंड टैबलेट्स की, तो इस ट्रनेक्जमिक एसिड टैबलेट क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा जब किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो इस टाइम पर दी जाती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करती है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं में जो पीरियड टाइम पे हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको रोकने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थाम्बोसिलेस टैबलेट के बारे में, तो थाम्बोसिलेस टैबलेट भी काफ़ी बेस्ट टैबलेट है फ्रेंड्स, इसका हमेशा यूज़ किया जाता है, हमेशा ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है इसका भी, तो ब्लड के लिए मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा हो तो उस टाइम पर रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो एंटीकॉगुलेंट है, ब्लड का थक्का बजाने के लिए एकदम अच्छे से काम करती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्लोट्रिमाजोल बजाने टैबलेट के, तो क्लोट्रिमाजोल जो वजाइनल टैबलेट होती है फ्रेंड्स उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, वजाइनल प्राइवेट पार्ट के पास बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है महिलाओं में, ज़्यादातर चलता है ये इन्फेक्शन, तो उस टाइम पर क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट का यूज़ किया जाता है, एंटी फंगल्स हो जाता है तो फंगल्स को हटाने के लिए क्लोट्रिमाजोल टैबलेट का या फिर क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में, तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट 150 mg होती है, ये भी एंटी फंगल है, इसे भी दांत खाज के लिए यूज़ किया जाता है, तो बहुत अच्छे से काम करती है ये फ्रेंड्स। फ्लूकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल और एथाम्बिसिलेट ट्रनेक्जमिक एसिड ये मेंस को भी दे सकते हैं, अगर मेल को भी दे सकते हैं, अगर मेल में कोई दिक्कत है जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है क्योंकि खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम पर दे सकते हैं, फ्लूकोनाजोल भी मेल में दे सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों के लिए। तो अब बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, तो फ्रेंड्स अब कुछ कफ सिरप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो कफ सिरप बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ पॉपुलर ब्रांड है तो उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कफ सिरप हो गए, जैसे क्लोरफेनमेन हो गया, अमोनियम हो गया, क्लोराइड्स हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गए, मेंथल सिरप्स हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बिकने वाले सिरप हैं फ्रेंड्स, ये आपको अपने मेडिकल स्टोर पर हमेशा रखने चाहिए। एक हो गया डेक्सामेथासोन एंड क्लोरफेनमेन सिरप्स, तो इसको भी अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखना है फ्रेंड्स। अब हो गया एम्ब्रोक्सिल टेरुटोलिन गोनिफेंसन सिरप, तो इसको भी अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब बात करते हैं सालबूटामोल सिरप, तो सालबूटामोल फ्रेंड्स उन पेशेंट के लिए दी जाते हैं जिन्हें अस्थमेटिक दिक्कत है, अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं मतलब अस्थमा के रोगी होते हैं, तो उन लोगों के इस सिरप का यूज़ किया जाता है। क्लोरफेनमेन कोडिन सिरप, तो इसका भी यूज़ किया जाता है एलर्जी वाली खांसी के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है गले में, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए कब सिरप्स के बारे में, अब आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स ईयर ड्रॉप्स के बारे में, तो ईयर ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले हैं, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ, तो साल्ट ने मैं ब्रांड नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे, आप साल्ट से ही देखिएगा।
तो फ्रेंड जैसे कि साल्ट नेम होगा क्लोट्रिमाजोल ग्लैक्लोमेथासन ईयर ड्रॉप्स एंटीपैक्स ईयर ड्रॉप्स, ये जो होता है निकलने वाला ये रखना चाहिए आपको। कुछ जैसे कि ब्रांडेड हो गया, ब्रांडेड नेम हो ओटीना हो गया, ओटीना एक्सी हो गया, तो इसका भी रखना चाहिए आपको। और हो गया फ्रेंड सिप्रोफ्लेक्सिन एंड डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स एंड ओटिक एसी ईयर ड्रॉप्स, ये अभी आपको रखने चाहिए क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा फंगस हो जाता है या फिर कान में कोई जख्म हो गया है तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। कान में जैसे कि अंदर पक रहा है कान या फिर कान में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा है तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो ये तो होगी बात ईयर ड्रॉप्स की, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है टॉपिकल प्रिपरेशन, ये भी टॉपिकल प्रिपरेशन है जो फ्रेंड्स बाहरी त्वचा पर लगाई जाती हैं, मैंने वो भी बताई थी, ये कुछ अलग हट गए क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट ही हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी हैं। तो किटकोनाजोल शैम्पू होता है फ्रेंड्स, परमेथिन लोशन होता है, किटकोनाजोल शैम्पू होता है फ्रेंड्स जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, फंगस इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। बात करते हैं परमेथिजन लोशन के बारे में, परमेथिजन लोशन बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला है और हमेशा अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए, ये भी दाँत खाज खुजली के यूज़ किया जाता है। परमेथिजन सोप भी आता है फ्रेंड्स, ये भी दाँत खाज खुजली के लिए होता है, डिटॉल लिक्विड भी आता है, तो ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल दोनों काम करता है फ्रेंड्स। एंटीसेप्टिक में क्या होता है जख्म को सुखाने का भी काम करता है और बैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होते हैं जख्म पर उन्हें मारने के लिए भी काफ़ी इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ये कुछ टॉपिकल प्रिपरेशन हो गए। अब बात करते हैं थ्रोफॉर्म ट्यूब के बारे में, तो थ्रोफॉर्म ट्यूब भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ट्यूब है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में भर्ती रहते हैं, काफ़ी दिन तक भर्ती रहते हैं, तो उनकी जो कैनोलाज होते हैं, कैनोला हटाना दूसरी जगह लगाना, फिर उनकी क्या होता है कि वेंस जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उन्हें हटाने के लिए दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो ऐसे हटाते हैं कई जगह पर उनके छेद हो जाते हैं फ्रेंड्स, उस जगह गांठें बन जाती हैं वेंस में, तो उन गांठों को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, गांठों को प्लेन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला है, ये अपने मेडिकल स्टोर पर हमेशा रखिएगा फ्रेंड। तो ये टॉपिक प्रिपरेशन हुई क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन्स जो आपको मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए। तो इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, ये क्या है कि अगर आपका मेडिकल कहीं हॉस्पिटल के पास है तो उस रखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इंजेक्शन इन्फ्यूजन इतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे, आपको स्वयं बिकेंगे, और हॉस्पिटल के अंदर है तो आप ज़रूर रखिएगा, फिर तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में, तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन आप जानते ही हैं, मैं बता दूं दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली पेन होता है तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इंजेक्शन भी है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन के बारे में, तो पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है, इसका गैस के रूप में यूज़ किया जाता है, गैस्ट्रिक इंजेक्शन है, मतलब पेशेंट को गैस वगैरह बहुत ज़्यादा पास आउट नहीं हो रही है तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। फिर आता है अंडरस्टैंड इंजेक्शन, अंडरस्टैंड इंजेक्शन बता दूँ आपको, ये वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इंजेक्शन है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर आता है एवेल इंजेक्शन, तो एवेल इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है जो ड्रिप्स वगैरह चलाते हैं डॉक्टर, उसमें क्या होता है किसी किसी पेशेंट को सूट नहीं करती है, किसी किसी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको सूट नहीं कर पाती, तो उससे क्या होता है रिएक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उस रिएक्शन को काटने के लिए मतलब रिएक्शन को हटाने के लिए एवेल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे वो रिएक्शन ना रहे, अगर ऐसे में रिएक्शन बना रहा तो फ्रेंड्स ऐसे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो एवेल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है तो एलर्जिक रिएक्शन को काटता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं डेक्सोन इंजेक्शन की, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है। डेरीफालिन इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये एंटी एस्थमेटिक इंजेक्शन है, तो सांस वगैरह के जो मरीज होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो ये आप इंजेक्शन अपने मेडिकल स्टोर पर जरूर रखिएगा, ये तो अपने आप भी दिखने वाला इंजेक्शन है फ्रेंड्स, कभी भी किसी टाइम दिख जाता है। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए, कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे एस्टमन 3 वगैरह हो गया, MBI हो गया, तो इसका यूज अपने मेडिकल स्टोर पर आप हमेशा रखिएगा। फिर बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन के बारे में, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन बोलते हैं फ्रेंड जैसे कि पेट में मरोड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मरोड़ को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। फिर बात करते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में फ्रेंड्स, बुखार वगैरह हो रहा हो तो उस टाइम पर यूज़ किया जाता है दर्द वगैरह के लिए भी। अब बात करते हैं रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में, तो इसी ये भी एंटीगैस्ट्रिक है फ्रेंड, गैस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है फ्रेंड्स। तब बात करते हैं विटकोफॉल इंजेक्शन के बारे में, विटकोफॉल इंजेक्शन फ्रेंड्स मल्टी विटामिन है, तो इसका यूज़ किया जाता है मरीज को एनर्जी बूस्टर के लिए, मरीज बहुत ज़्यादा जब बीमार पड़े रहते हैं तो उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि मरीज जल्दी जल्दी उठे और जल्दी जल्दी चलने लगे, जल्दी से स्वस्थ हो जाए, तो इसके लिए विटकोफॉल इंजेक्शन काफ़ी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अमीकासिन इंजेक्शन, अमीकासिन 500 और 1000 दोनों में आता है फ्रेंड, 250 और 500 में आता है, तो इसका यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है कि जख्म वगैरह होता है मरीज में या फिर कहीं ब्लड इन्फेक्शन या TLC वगैरह बड़ी होती है तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है अमीकासिन का,
तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है एंटीबायोटिक के रूप में। तो फ्रेंड्स अब बात करें जेंटामाइसिन के रूप में, तो जेंटा तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जेंटा और डेक्स दोनों इंजेक्शन हॉस्पिटल से। अब बात करते हैं सेफ्ट्रॉक्सिन इंजेक्शन के बारे में। तो सेफ्ट्रॉक्सिन फ्रेंड्स क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है हमेशा जख्म को सुखाने के लिए भी, या फिर TLC बड़ी होती है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में, तो इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। तो इसी के कुछ पॉपुलर ब्रांड है, मोनोसॉफ हो गया, टजार हो गया, टैजोबैक्टम टजार टैजोबैक्टम जो अलग से आते थे, टजार हो गया, टजार में यही आता है। और सेफ्ट्रॉक्सिन में फ्रेंड्स आता है मोनोसॉफ, बहुत ही ज़्यादा बिजली वाला सी मतलब इंजेक्शन है। तो मोनोसॉफ भी अपनी मेडिकल स्टोर पर आप ज़रूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इन्फ्यूज़न जैसे कि अब बात करते हैं RL हो गई, RL बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है पेशेंट में, जैसे इसे रिंगल लैक्टेट बोलते हैं। और फिर DNS हो गई फ्रेंड्स, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली है। D5 हो गई फ्रेंड्स 5%, D25% हो गई, और सिप्रोफ्लेक्सेशन हो गई तो इसका यूज़ काफ़ी यूज़ किया जाता है। मेट्रोंडाजोल हो गई तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ओफ्लॉक्सेशन एंड ओरिंडाजोल इंजेक्शन, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली है फ्रेंड्स। अब ये तो हो गए इंजेक्शन एंड इन्फ्यूज़न। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला टॉपिक है फ्रेंड्स IV सेट वगैरह के लिए, तो क्या क्या रखना चाहिए अपने मेडिकल स्टोर पे। तो आपके मेडिकल स्टोर पर आप IV सेट रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब हमेशा बिकते रहते हैं। कैनोला रखिएगा, बटरफ्लाई रखिएगा, और कॉन्फिक्स हो गया, पेपर टेप हो गया, सिरिंज हो गई 2 ml टू 20 ml तक। तो 2 ml से लेकर 20 ml तक आप किसी में रख सकते हैं। 20 ml तो बहुत कम यूज़ की जाती है, लेकिन 2 और 5 ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो 2 और 5 दोनों ही हाथ रख सकते हो बहुत अच्छे से। अब हो गई इंसुलिन सिरिंज, तो कुछ इंसुलिन सिरिंज भी है फ्रेंड्स, जैसे कि 400 यूनिट हो गया, 100 यूनिट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। 440 यूनिट और 100 यूनिट इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स हमेशा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, तो उनमें इंसुलिन दिया जाता है, तो वो वाली सिरिंज में काफ़ी यूज़ की जाती है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स IV सेट और कैनूला। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक फ्रेंड्स सैनिटेटिव, मतलब जो फ्रेंड्स कुछ दवाएँ होती हैं जो हमेशा डॉक्टर के हिसाब से दी जाती हैं, जो हमेशा मेडिकल स्टोर पर आपको रखनी चाहिए, लेकिन नारकोटिक मेडिसिन में आ जाती हैं। एल्प्राजोलाम हो गया, जैसे कि मरीज को नींद नहीं आती है, या फिर मरीज बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 0.25 mg में भी आती है और 0.5 mg में भी आती है फ्रेंड्स। ये हमेशा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, हमेशा अपने आप ना लें, हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तभी लें, और मेडिकल स्टोर वाला कोई भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन दिए देंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, बिना डॉक्टर कंसल्ट करें कोई मेडिसिन ना लें फ्रेंड्स। आई हम्बल रिक्वेस्ट करिए, हर वीडियो बताता हूँ, ये भी वीडियो बता रहा हूँ कि कोई मेडिसिन ना, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो थैंक यू, आइए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक रिलेटेड मेडिसिन, मतलब गैस्ट्रिक रिलेशन मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन गैस में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो वो हैं, नंबर 1 आती है रेनिटिनिन टैबलेट 150 mg, तो ये अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखनी है। एक आता है रेनिटिनिन में 300 mg, तो इसको पॉपुलर ब्रांड है फ्रेंड्स, जैसे कि एसीलॉक हो गया, रिंडाग हो गया, ये दोनों मेडिसिन हमेशा गैस्ट्रिक के रूप में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं ओमेप्राजोल की, तो ओमेप्राजोल कैप्सूल भी होता है, टैबलेट्स भी होती हैं। तो फ्रेंड्स ओमेप्राजोल कैप्सूल होते हैं, कुछ पेंटाप्राजोल कैप्सूल होते हैं, ओमेप्राजोल से थोड़ी अच्छी कैटेगरी के होते हैं पेंटाप्राजोल। तो ओमेप्राजोल एंड डोमेप्राजोल इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है फ्रेंड्स काफ़ी। तो ओमेप्राजोल एंड डोमेप्राजोल में क्या होता है कि वोमिटिंग और गैस्ट्रिक दोनों के रूम में काम करते हैं, तो आपको गैस मिल रही तो उस टाइम पर काम करेगा, और वोमिटिंग आ रही है तो उस टाइम पर भी आपको अच्छे से काम करेगा। फिर बात करते हैं पेंटाप्राजोल एंड डोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड डोमेप्राजोल में क्या होता है कि ये भी अच्छी क्वालिटी के कैप्सूल्स होते हैं फ्रेंड्स, महंगे होते हैं लेकिन काम अच्छे से करते हैं गैस्ट्रिक के रूम में। फिर आता है रेमिटिडिन एंड ओंडेस्ट्रोन, तो ओंडेस्ट्रोन फ्रेंड्स उल्टी के लिए होता है, तो उल्टी और गैस का दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया, रेमिटिडिन गैस का हो गया, ओंडेस्ट्रोन उल्टी के लिए होगा। फिर आता है एंटासिड सीरप्स और डाइजिंग लिक्विड वगैरह, तो इनका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स हमेशा, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा मतलब गैस की समस्या हो रही हो, या फिर आपको जलन की समस्या हो रही हो, बहुत ज़्यादा तेजाब वगैरह बनता है आपको, तो उस टाइम पर इसका एंटासिड सीरप का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। तब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक है फ्रेंड्स विटामिन मिनरल एंड अदर मेडिसिन, तो विटामिन मिनरल एंड अदर मेडिसिन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम सस्पेंशन हो गए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सस्पेंशन है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है सस्पेंशन का। और डाइजेस्टिव एंजाइम सीरप्स हो गए, मतलब जिन लोगों को पेट में समस्या रहती है, जिन लोगों को खाना खाने के बाद खाना नहीं पचता, तो उस टाइम पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीरप का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हुआ।
सिरप्स आते हैं, एरिस्टोजाइन सिरप्स हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सिरप है। फिर आता है फ्रेंड साइप्रोहेप्टाडिन सिरप्स। तो साइप्रोहेप्टाडिन सिरप्स में क्या डिफरेंस, ये भी भूख के लिए है, तो भूख में हमेशा इसको यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम भी करता है। फिर आता है एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट्स। एल्बेंडाजोल टैबलेट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं फ्रेंड्स पेशेंट्स के पेट में, तो उनका उनके लिए यूज़ की जाती है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है। तो एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट भी काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ विटामिन मिनरल अदर मेडिसिन हो गई। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, वो है लैक्सेटिव मेडिसिन। तो लैक्सेटिव मेडिसिन क्या होती है फ्रेंड्स, गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, या फिर जो लोग लैट्रिन जाते टाइम सुबह को सोच के टाइम जाते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लैट्रिन नहीं उतरती है उनकी, और बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ दिक्कत होती है, और हमेशा ब्लड व्लड भी कभी आ जाता है क्योंकि लैट्रिन नहीं आती, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन में। तो उन लोगों के लिए लैक्सेटिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विस्कोडाइन टैबलेट हो गई, ये सब गोल भूसी हो गई, ये सब गोल भूसी का भी यूज़ तभी किया जाता है फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, तो उस टाइम पर आप इसे गोल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स सर्मेफिलिन लिक्विड, तो इसका यूज़ भी हमेशा किया जाता है गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स लैक्टुलोस लिक्विड, तो इसका यूज़ भी लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, मतलब जिन लोगों लैट्रिन की समस्या रहती है, या फिर इनका स्टूल स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाए, जैसे स्टूल स्मूथ होगा तो आसानी होगी आपको लैट्रिन करने में, तो जल्दी से अच्छे से आप सोच करके फ्रेश हो जाएं, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसीलिए इन्हें लैक्सेटिव मेडिसिन को दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पैराफिन भी होते हैं एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडी, इनका यूज़ भी किया जाता है फ्रेंड्स लैक्सेटिव के रूप में, जो कि यूज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल है कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब जिन लोगों को बहुत समस्या रहती है कॉन्स्टिपेशन में। तो ये तो एक कैटेगरी की, अब बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक फ्रेंड्स एंटी वर्टिगो टैबलेट्स, मतलब जिन लोगों को चक्कर की समस्या रहती है, मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, हर टाइम चक्कर आते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है और अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो एंटीबायोटिको टैबलेट में कौन कौन सी आती हैं वो हम बात कर लेते हैं, जो आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो नंबर 1 हो गई फ्रेंड्स एस्टामेटिल MD टैबलेट, नंबर 2 हो गई फ्रेंड्स सिनार्जन टैबलेट 25 mg, और नंबर 3 हो गई फ्रेंड्स वीटा हेस्टन टैबलेट 8 mg एंड 16 mg। तो इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स जब किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर की समस्या होती है, चक्कर ज़्यादा आने लगते हैं, या फिर चलते चलते एकदम गिर जाते हैं, या फिर चक्कर आने की समस्या रहती है, तो एंटीबायोटिको टैबलेट उनमें यूज़ की जाती है। तो इसका यूज़ फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, तो इसके यूज़ और ये मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर जरूर रखना है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक हमारा वो है एंटी एलर्जिक टैबलेट्स। एंटी एलर्जिक टैबलेट कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या यूज हैं इनके, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये मेडिसिन जो मैं बताऊँ वो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो नंबर हो गई लिबोसेट्राइजिन 5 mg टैबलेट, तो लिबोसेट्राइजिन आपको रखनी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टैबलेट है, और आप किसी भी, ये तो अपने आप बिकने वाली टैबलेट फ्रेंड्स, कभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पेशेंट को दे सकते हैं। सेट्राजिन 10 mg होगी, मतलब जिन लोगों का एंटी एलर्जी की समस्या ज़्यादा रहती है, तो वो लोग सेट्राजिन 10 mg का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोक्सीजन हो गई 25 mg टैबलेट, तो इसका यूज भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है एलर्जी के रूप में फ्रेंड्स। हो गई डेक्सामेथासोन 0.5 mg टैबलेट, तो डेक्सा काफ़ी यूज हमेशा एंटी एलर्जी के ही रूप में किया जाता है। फिर होगा फ्रेंड्स बीटामेथासोन 0.5 mg, वेडनिसोल आते हैं ब्रांड नेम इसके, तो इसका यूज भी किया जाता है फ्रेंड्स हमेशा एंटी एलर्जिक के रूप में। अब बात करते हैं प्रेडनिसोलम 10 mg, तो प्रेडनिसोलम का यूज़ भी हमेशा किया जाता है फ्रेंड्स एंटी एलर्जिक के ही रूप में। अब बात करते हैं सेट्राजिन के रूप में, सेट्राजिन भी काफ़ी अच्छे से यूज़ की जाती है, सेट्राजिन पैरासिटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है ये भी अच्छे से यूज की जाती है। अब बात करते हैं फिनाइलफेरामिन, क्लोरफेरामिन और पैरासीटामोल, इनका कॉम्बिनेशन आता है फ्रेंड्स, तो ये भी हमेशा ज़्यादा बुखार और एंटी एलर्जिक के रूप में अच्छे से काम करती है। तो ये एंटी एलर्जिक की कुछ मेडिसिन थी पॉपुलर, तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक हमारा वो है एंटी डायरियल मेडिसिन। तो एंटी डायरियल मेडिसिन कौन कौन सी होती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो नंबर 1 होगी फ्रेंड्स हमारी लोप्रामाइड। एंटी डायरियम क्या होता है कि हमारे जो दस्त वगैरह होते हैं, पानी कमी हो जाती है, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट होती है फ्रेंड्स। तो नंबर 1 है लोप्रामाइड,
तो लोप्रोमाइड टैबलेट का हमेशा यूज किया जाता है फ्रेंड्स। सैनिटाइजर के रूप में दस्त वगैरह हो रहे हैं तो इस टाइम पर इसका बहुत अच्छे से यूज़ भी किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एंट्रोकोनाल टैबलेट। एंट्रोकोनाल बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली है, अपने मेडिकल स्टोर में जरूर रखना। तो एंट्रोकोनाल टैबलेट होती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है। इनका भी यूज़ भी एंटी डायरियल के रूप में किया जाता है, मतलब दस्त वगैरह हो रहे हैं तो इस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट। तो इसका यूज़ भी एंटी डायरियल के रूप में किया जाता है, मतलब दस्त वगैरह हो रहे हैं तो इस टाइम पर इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और फ्रेंड्स अब बात है स्पायरोलैक टैबलेट। स्पायरोलैक टैबलेट भी हमेशा एंटी डायरियल है, इसका यूज़ करते हैं जिन लोगों को दस्त की समस्या हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पानी कमी हो गई बॉडी में, उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो एंटी डायरियल टैबलेट थी, तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं दस्त के रूप में, जो हमेशा अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए आपको। तो एंटी डायरियल हो गई, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स एंटी स्पाजमोटिक टैबलेट। तो एंटी स्पाजमोटिक टैबलेट कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो स्पाज मतलब जो गैस की मरोड़ की समस्या रहती है, पेट में दर्द रहता है जिन लोगों के, तो उस टाइम पर एंटी स्पाजमोटिक टैबलेट दी जाती है। नंबर 1 जैसे डाइसाइक्लोमिन 10 mg टैबलेट हो गई। डाइसाइक्लोमिन 10 mg बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है, इसका यूज़ किया जाता है हमेशा पेट की मरोड़ को ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल टैबलेट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत अच्छे से पेट की मरोड़ के लिए भी काम करते हैं और शरीर में अगर फीवर वगैरह की समस्या रहती है तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है फ्रेंड। फिर आती है ड्रोटावेरिन मैफनियमिक एसिड टैबलेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है फ्रेंड्स। अगर किसी को दर्द हो रहा है पेट में तो बड़े आराम से आप दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिसाब की टैबलेट है, बहुत हिसाब से काम करती है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी फ्रेंड्स। फिर आप बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रोटावेरिन 40 mg टैबलेट के बारे में। तो जो ड्रोटावेरिन 40 mg है फ्रेंड्स, इसका यूज़ हमेशा किया जाता है इसी पेट दर्द के लिए, मतलब स्पाजमोटिक की समस्या हो बहुत ज़्यादा तो उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो स्पाजमोटिक टैबलेट आप समझ ही गए होंगे कि हमेशा स्पाजमोटिक मरोड़ या गैस के लिए यूज़ की जाती है। गैस के लिए कम, लेकिन मरोड़ जन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, पेट में ऐंठन वगैरह पड़ती है, ऐंठा हो जाते हैं, तो उन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये थी एंटी स्पाजमोटिक टैबलेट की कैटेगरी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ बच्चों की मेडिसिन के बारे में, जो कि पीडियाट्रिक मेडिसिन है फ्रेंड्स। जैसे ये पैरासीटामोल ड्रॉप्स हो गए, सीरप्स हो गए, तो इसका यूज़ किया जाता है हमेशा पीडियाट्रिक के रूप में, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो पैरासीटामोल सीरप हमारा बच्चों को बुखार वगैरह के लिए दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है जैसे कि मैफनामिक एसिड सीरप, बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होने की समस्या हो रही है, तो उस टाइम पर इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट है फ्रेंड्स सीरप से। सॉरी, अब बात करते हैं पैरासीटामोल एंड मैफनामिक एसिड सीरप के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सीरप है, इसका यूज़ किया जाता है बुखार वगैरह होगा तो भी काम करेगा। मैफनामिक एसिड है इसमें स्पाजमोटिक में, तो इसका यूज़ कर सकते हैं पेट दर्द के लिए। तो अब बात करते हैं न्यू पेप्टिन सीरप ड्रॉप्स, तो इसका यूज भी बच्चों को किया जाता है। अब बात करते हैं कोलिकॉइड ड्रॉप्स के बारे में, ये भी बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं फिवोलैक्स ड्रॉप्स, तो ये भी बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं आईवी जैसे प्लस सीरप, प्लस सीरप फ्रेंड्स दर्द में भी यूज़ किया जाता है बच्चों में, और कहीं दर्द वगैरह की समस्या हो रही है तो उस टाइम पर बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेट्राइजिन सीरप के बारे में। सेट्राइजिन सीरप्स बोलते हैं फ्रेंड्स, जो बच्चों में एलर्जी वगैरह हो जाती है या बच्चों की एलर्जी उभर जाती है तो उस टाइम पर सेट्राइजिन सीरप का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एंटी कोल्ड सीरप्स, कुछ एंटीगोन सीरप भी होते हैं फ्रेंड्स, इसका यूज़ किया जाता है बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम के लिए। बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा हो बच्चों को, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो उस टाइम पर एंटीगोन सीरप दी जाते हैं, तो बहुत अच्छे से काम भी करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं स्पाइरोलैक्स टैबलेट के बारे में, तो यही बच्चों के लिए दी जाते हैं बहुत यूजफुल है। स्पाइरोलैक्स टैबलेट में क्या होता है, बच्चों को दर्द वगैरह हो रहा हो तो उस टाइम पर पेट में दर्द भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ओफ्लोक्सासिन और ओरिंडाजोन सीरप्स के बारे में और अमेक्सिक्लस सीरप्स के बारे में। ऑफ्लोक्सासिन और ओरिंडाजोल का यूज़ किया जाता है जब बच्चों को दर्द वगैरह हो रहा हो तो इस टाइम पर काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। इन सब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन सीरप 100 mg और 200 mg, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एजिथ्रोमाइसिन सीरप 100 mg यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। फिर जो बच्चों को जैसे कि कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक के लिए काम करता है, कान ईयर नोज वगैरह में इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छे से काम कर जाती है एंटीबायोटिक, मतलब बड़े बच्चों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं अरविंडाजोल ओरल सस्पेंसर के बारे में, तो फ्रेंड्स जो बच्चों के पेट में कीड़ा हो जाते हैं, कीड़े उन कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है, तो मिट्टी छुटाने के लिए और पेट के कीड़ों को मारने के लिए।
सिरप्स का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो बात करते हैं रेस्टोर सिरप्स के बारे में, ड्रॉप्स के बारे में यूज अच्छे बहुत ही अच्छा ज़्यादा इफेक्टिव ड्रॉप्स। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन सिरप्स के बारे में, मल्टीविटामिन सिरप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, बच्चों में जो एनर्जी लेवल को काफ़ी बढ़ा देते हैं, बच्चों जो कमज़ोर हैं दोनों को ठीक करने के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिससे बच्चों के शरीर में एनर्जी आए और अच्छे से काम करें खेलें कूदें। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मल्टीविटामिन ड्रॉप्स के बारे में, तो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी आते हैं और कुछ सिरप्स आते हैं, दोनों ही अच्छे हैं और गुड हेल्थ के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप्स है। अब फ्रेंड्स अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एंटी इमेटिक मेडिसिन। तो एंटी इमेटिक मेडिसिन फ्रेंड्स क्या होती है बता दें, ये एंटी इमेटिक एक कैटेगरी है, इसका जो बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स हमेशा वोमिटिंग के लिए, मतलब जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या है तो पेशेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट है। मेटक्लोप्रामाइड जो मतलब बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है पेशेंट को तो उस टाइम पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं डोम्पाइडोन टैबलेट के बारे में, तो डोम्पाइडोन टैबलेट में फ्रेंड्स ये भी उल्टी के लिए यूज़ की जाती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट है, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं और अपने मेडिकल स्टोर पर रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ओंडेस्ट्रॉल टैबलेट के बारे में, तो फ्रेंड्स ओंडेस्ट्रॉल जो टैबलेट है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ओंडेस्ट्रॉल टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं उल्टी के रूप में, तो उल्टी अगर आ रही है किसी को तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि आपको अपनी मेडिकल स्टोर में रखनी चाहिए, जो कि एंटी मतलब वोमिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं जनरल प्रोडक्ट्स फॉर ओटीसी, मतलब जनरल प्रोडक्ट्स जो आपको मेडिकल स्टोर को होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि हो गया विक्स वेपोरम हो गया फ्रेंड्स, जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर हमेशा रखना है, विक्स हमेशा दिखता है बिना डॉक्टर के ही दिखता है, ये तो विक्स हो गया, जैसे विक्स हो क्या है कि इसका यूज़ किया जाता है जब जब सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी को, तो उसको विक्स वेपोरम यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स विक्स इनहेलर हो गया, इनहेलर फ्रेंड्स जो किसी की नाक वगैरह ब्लॉकेज हो गया है मतलब जुकाम की वजह से, तो उसका यूज किया जाता है विक्स इनहेलर का, इसे सूंघते हैं लोग ऊपर के ही नाक के द्वारा। अब हो गया आइडक्स बाम के रूप में, तो आइडक्स बाम भी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है दर्द वगैरह के लिए। टाइगर बाम हो गया, ये सेक्सुअल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिक एसिड के बारे में, तो यूनिक भी अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए, यूनिक एसिड क्या होगा गैस्ट्रिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, काम शुरू छः सेकेंड मतलब गैस अगर बन नहीं है किसी को पच वगैरह हो रहा है तो उस टाइम पर यूनू दे देते हैं, और यूनू बॉटल्स भी आती हैं तो ये भी अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए फ्रेंड्स। सैनिटरी पैड्स भी बहुत ज़्यादा रखने चाहिए फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं पीरियड टाइम पर, ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसको ये हमेशा अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए। डायपर्स हो गए जो बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, डायपर हो गए, डायपर्स क्या होता है कि बच्चे जो पॉटी वगैरह करते हैं यहाँ पर दस्त वगैरह हो गए तो उस टाइम पर आपको बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और जाड़ों के टाइम पर भी माताएं अपने बच्चों को डायपर्स वगैरह काफ़ी पहनाती हैं, तो ये भी मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। कॉन्डम्स हो गए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसको भी हमेशा रखना चाहिए। सिल्नेफिल टैबलेट 50 mg और 100 mg जो मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि कुछ टैबलेट ब्रांड हैं जैसे वायग्रा हो गए, मैनफोर्स हो गए, जो सेक्सुअल टाइमिंग टैबलेट्स हैं उनको भी हमेशा मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेटें हमेशा अच्छे से बिकती हैं। अब बात करते हैं टोडोफिल टैबलेट 5 mg 10 mg, ये भी सेक्सुअल है तो इसका भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। मिल्क हो गया, मिल्क बॉटल होगी, मिल्क की बॉटल होगी तो ये आप रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। ग्रैप बटर हो गया जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, दस्त वगैरह हो रहे हैं फिर बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पर, या फिर बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है मतलब बच्चे अच्छे से पचा नहीं पाते हैं, या फिर बच्चे उल्टी कर रहे हैं बार बार दूध उलट रहे हैं, तो उस टाइम पर ग्रैप बटर का यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो ये ज़रूर अपने मेडिकल स्टोर पर आप रखिएगा। ग्रैप बटर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डाबर जन्म घुट्टी, तो डाबर की कुछ घुट्टियाँ होती हैं जैसे कि उन्हें रखना चाहिए, कई टाइप की घुट्टी होती हैं, 112 साल की बुढ़िया घुटी है, बाल जीवन हो गई, नौनिहाल हो गई, तो ये अपने मेडिकल स्टोर पर हमेशा रखनी चाहिए। सेरेलैक हो गया फ्रेंड्स, सेरेलैक भी अपने मेडिकल स्टोर पर हमेशा रखनी चाहिए फ्रेंड्स। और प्रोटीन पाउडर हो गए, प्रोटीन पाउडर्स के डिब्बे भी हमेशा मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं फ्रेंड्स, तो प्रोटीन पाउडर के डिब्बे भी हमेशा अपने मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए। कुछ प्रोटीन के पाउडर के जो डब्बे हैं जैसे प्रोटीन एक्स हो गया, पॉपुलर ब्रांड में काफ़ी बिकता है, टोमेटिन वगैरह हो गया जी हमेशा बिकता ही है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बैंडेज के बारे में, तो हमेशा अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए, जैसे स्क्रैप बैंडेज हो गई,
किसी का हाथ में हाथ वगैरह में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ गई या फिर कहीं पर फ्रैक्चर हो गया तो थोड़ा बहुत उसको बांध लेते हैं सपोर्ट के लिए, तो क्रैप बैंडेज वगैरह भी रखनी चाहिए। और बैंडेड वगैरह हो गए तो ये भी हमेशा रखनी चाहिए, कभी किसी को हाथ पैर छुल जाता है थोड़ी बहुत चोट लग जाती है उस टाइम पर ही इमरजेंसी काम हो जाता है। फिर क्रैप बैंडेज हो गए, कॉटन हो गई फ्रेंड्स, कॉटन रोल रखनी चाहिए आपको। कॉटन रोल अगर मेडिकल आपका हॉस्पिटल में है तो कॉटन रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नहीं भी है तब भी कॉटन रोल रखना ज़रूरी है। बड़ा नहीं रख सकते तो छोटा पाउच में आता है 10-5 रुपये की, उस टाइम पर भी आप रख सकते हैं। और ORS पाउडर हो गए फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है गर्मियों के टाइम पर, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ORS। ORS में जो कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि इलेक्ट्रॉल हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा दिखता है तो इसको रख सकते हैं। फ्लूटोलाइट हो गया, तो ये हमेशा रखने वाली चीज़ें जो आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कुछ जनरल प्रोडक्ट जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर हमेशा रखनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। एंटीबायोटिक टैबलेट्स कौन सी होती हैं, इसका क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है और कब कब यूज किया जाता है, तो एंटीबायोटिक के टैबलेट के बारे में हम बात करें। कि एंटीबायोटिक तो फ्रेंड्स क्या है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक तो सबका नाम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ पॉपुलर मेडिसिन हैं तो उसका नाम हम ज़रूर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो गई फ्रेंड 250 mg। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड जैसे नाक कान गले आई नोज वगैरह आपको इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से काम भी करती है फ्रेंड्स। जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि JD हो गई, JD 250 mg, तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है JD मैनकाइंड द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट्स हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 500 mg की, तो इसी की जो लेंथ है वो 500 mg होती है। कुछ पेशेंट कमज़ोर होते हैं तो 250 mg सुबह शाम दे देते हैं, और अगर पेशेंट कोई अच्छा सही है शरीर से ठीक है और इन्फेक्शन हुआ है आँख नोज वगैरह में, तो उस टाइम पर एजिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हैं। अगर किसी को कन्वर वगैरह निकल आते हैं उस टाइम पर भी एजिथ्रोमाइसिन आप, तो जो किसी को कन्वर वगैरह निकल आते हैं फ्रेंड्स तो उस टाइम पर JD 500-250 दोनों ही दे सकते हैं। वो फ्रेंड्स डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि हमें डोज कितनी देना। तो ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। फिर होगी ऑफ्लॉक्सेसिन एंड ओरिंडाजोल, तो ऑफ्लॉक्सेसिन एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से किया जाता है। ओरिंडाजोल आपकी होगी जैसे कि किसी को पेट में दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पर आप ऑफ्लॉक्सेसिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आप अच्छे से दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हुई ऑफ्लॉक्सेसिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट्स। अब बात करते हैं एमोक्सिसिलिन एंड क्लाविनेट टैबलेट। तो एमोक्सिसिलिन एंड क्लाविनेट टैबलेट का हमेशा यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, बहुत ही ज़्यादा जख्म को सुखाने में बहुत अच्छे से काम करती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इसका यूज भी किया जाता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि MegaCV 625 हो गई, MegaCV 375 हो गई, या फिर Moxikan 375 या Moxikan 625, तो ये जो बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट्स हैं मैनकाइंड द्वारा बनाई जाती हैं, और थोड़ी इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं फ्रेंड्स। तो कॉस्टली होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत भी आएगी फ्रेंड्स। तो ये अपने मेडिकल स्टोर पर आप ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेट्रोंडाजोल टैबलेट्स के बारे में। तो मेट्रोंडाजोल जैसे कि नॉर्फ्लॉक्स हो गई, नॉर्फ्लॉक्सेसिन होता है उसमें, मेट्रोंडाजोल भी होता है साथ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा दस्त के रूप में, एंटी डायरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं तो उस टाइम पर मेट्रोंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं फ्रेंड्स आपको। तो ये मेट्रोंडाजोल टैबलेट भी काफ़ी बिकती है फ्रेंड्स, तो इसे अपने मेडिकल स्टोर पर आप हमेशा रखिएगा। तो जो कुछ नॉर्मल मेडिसिन थी मैंने सब आपको बताई है। अब बात करते हैं कुछ सिफेक्सिम टैबलेट 100 mg and 200 mg के। तो फ्रेंड्स जो सिफेक्सिम होती है वो क्या है कि एक एंटीबायोटिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक है, थोड़ी कॉस्टली भी होती है, तो इसका यूज़ हमेशा किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे टाइफाइड बुखार हो गया, कोई TLC वगैरह ज़्यादा बढ़ रही, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। टाइफाइड बुखार को अच्छे से काफ़ी अच्छे से कवर करती है सिफेक्सिम। 100 mg होती है फ्रेंड्स बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, बच्चों को DT आती है 100 mg DT। अब बात करते हैं 200 mg, तो 200 mg हमेशा अडल्ट के रूप में यूज़ की जाती है, हमेशा एक टैबलेट सुबह शाम दी जाती है। बाकी कोई दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से हमेशा पूछते रहिएगा, मेरा डॉक्टर कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन नहीं लेना। मैंने रिपोर्ट अच्छी सी मतलब एक वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको कि अच्छे से आप यूज़ कर सकें इसे। अगर आप नए मेडिकल खोल रहे हैं तो उस टाइम पर आपको काफ़ी मदद करेगा। काफ़ी लिस्ट दी है मैंने, 160+ मेडिसिन हैं इसमें, और ज़्यादातर कैटेगरीज कवर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो काफ़ी पॉपुलर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है फ्रेंड्स, मान रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें नॉलेज का भी काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज गेन होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्फ्लॉक्सेसिन 400 mg टैबलेट के बारे में। तो नॉर्फ्लॉक्सेसिन 400 mg टैबलेट भी काफ़ी यूजफुल टैबलेट है,
इसको यूज़ किया जाता है जैसे यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है किसी को, बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, या फिर पेशाब जल जल के आ रही है, या फिर पेशाब आ ही नहीं रही है, बहुत कम आ रही है, या फिर पेशाब करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर इसे नॉर्फ्लक्सेशन 400 mg टैबलेट को दे सकते हैं। अगर पेट में कोई दिक्कत है तो उस टाइम पर दे सकते हैं, लेकिन यूटीआई के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी फ्रेंड्स। तो ये नॉर्फ्लक्सेशन 400 mg टैबलेट हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट्स हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यूरिनरी एल्कलाइजर सीरप के बारे में। तो कुछ यूरिनरी एल्कलाइजर सीरप होते हैं जैसे कि लीरी वगैरह हो गए, और जो कुछ पॉपुलर ब्रांड है लीरी हो गया, एल्कासोल हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा रखने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ये हमेशा आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें रखने से आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि कोई पेशेंट आपको लौट के नहीं जाएगा इस टाइप की अगर प्रॉब्लम होगी उसको, तो फ्रेंड्स से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यूरिनरी एल्कलाइजर सीरप्स होते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा किडनी इन्फेक्शन हो गया है, किडनी इन्फेक्शन वगैरह जैसे पथरी वगैरह हो गई तो कि स्टोन जमा हो रहा है, जो आपका यूरिनरी ब्लेडर है उसमें काफ़ी स्टोन छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो उस टाइम पर अगर इसे यूज़ किया जाए तो, और पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए पीने में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये पथरियाँ काफ़ी टूट टूट के निकलने लगती हैं फ्रेंड्स। तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है यूरिनरी एल्कलाइजर सीरप्स का। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरप थे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सीरप्स थे, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया एंटीबायोटिक टैबलेट्स और अडल्ट के लिए, और यूरिनरी एल्कलाइजर सीरप और मेल्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक टॉपिक था, इसका भी यूज काफ़ी हमने एंड कर दिया है। अब बात करते हैं आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी चीज़ें और रखनी है, जैसे कि कॉस्मेटिक हो गया, कॉस्मेटिक में भी काफ़ी यूज़फुल टैबलेट मतलब तेल वगैरह हो गए, जैसे तेल हो गए, सोप हो गए, साबुन हो गए, और क्रीम्स हो गई, ऑल टाइप्स क्रीम्स हो गई, और जैसे कि कॉलगेट वगैरह हो गया, और मतलब थोड़ी कॉस्मेटिक जो सामान होता है वो भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक एक्ट में सारी आती हैं ये, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था फ्रेंड्स, और रख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। और जो मच्छरों के लोशंस वगैरह भी आप रख सकते हैं, मच्छर की जो आती है क्वाइल्स वगैरह, तो वो भी आप रख सकते हैं, और कुछ शैम्पू आते हैं फ्रेंड्स, तो शैम्पू को भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं, तो इस टाइम पर आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत भी नहीं होगी फ्रेंड्स। और ये भी आप रखने के लिए आपको अधिकार है मेडिकल स्टोर पर, आप रख सकते हैं बड़े आराम से। तो फ्रेंड्स आज सज्जा वाली मतलब जो साज सज्जा मतलब सजने वाली चीज़ें होती हैं, काफ़ी आप मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पर हो गया आपको बीट क्रीम वगैरह हो गई, तो ये भी आप रख सकते हैं, जैसे कि आपको लेडीज़ और मेंस दोनों ही आती हैं, तो इसका भी यूज आप अच्छे से कर सकते हैं, और रखने में आपकी बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट्स हैं फ्रेंड्स, मतलब जो चीज़ें हैं कॉस्मेटिक वाली बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली मतलब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा रिव्यू नहीं बोल सकते हैं, एक बड़ा रिव्यू हो गया है थोड़ा, एकदम बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये कॉस्मेटिक एक्ट मतलब एक्ट में आती हैं सारी चीज़ें, तो कॉस्मेटिक एक्ट वाली भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मतलब ये सामान था, तो कॉस्मेटिक एक्ट वाली सब चीज़ें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस रिव्यू के बारे में, तो ये रिव्यू थोड़ा लॉन्ग हो गया फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जानकारी आपको काफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल मैंने शुरू से एंड तक लेकर कवर किया है, मैंने कोशिश की है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, और कौन कौन सी मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी है वो भी मैंने कोशिश की है कवर करने की। तो फ्रेंड्स एक छोटा रिव्यू नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, लॉन्ग हो गया, लेकिन अब अगर आप अपने लिए एक घंटे का टाइम निकाल के या फिर 45 से 50 मिनट का टाइम निकालेंगे, अगर आप मेडिकल नया स्टोर खोल रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी वीडियो, और अगर आप मेडिकल प्रैक्टिसनर भी हैं तो भी आपको काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि सारे इंजेक्शंस मैंने सारे इंजेक्शन बताए हैं, टोटल जो कैटेगरीज़ होती हैं वो सारी कैटेगरीज़ कवर करने की कोशिश की है, सभी नहीं कर पाए हूँ लेकिन कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो, मैंने इसमें एंटी स्पाज्मोटिक भी दिखा दी, पेन किलर टैबलेट क्या होती है वो भी बात कर ली है, और फ्रेंड्स एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, एनाल्जेसिक कौन सी होती हैं, और एंटी स्पाज्मोटिक कौन सी होती हैं, डायरियल कौन सी होती हैं, एंटीमेडिक कौन सी होती हैं, मेटिक्स और सेडेटिव कौन सी होती हैं, तो इन सारी टैबलेट्स को मैंने कोशिश करी है कवर करने की। तो आप शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि शुरू से लेकर एंड तक आपको बताऊँ। तो जो 160 प्लस मेडिसिन हैं, काफ़ी मेडिसिन भी हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने अच्छे से एक एक मेडिसिन का यूज़ भी बताया है, और
कैसे यूज करनी है वो भी बताया, प्राइस सबके नहीं बता पाए, फ्रेंड्स कहेंगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता फिर वीडियो, तो इससे भी लंबा ज़्यादा बेस्ट नहीं होता क्योंकि आजकल के ज़माने में टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, तो उसके देखते हुए मैंने एक घंटे के अंदर ही कवर करने की कोशिश की है, तो कोशिश मेरी कामयाब भी हो गई, एक घंटे के अंदर कवर भी हुई है फ्रेंड्स ये वीडियो, तो वीडियो काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत भी नहीं होगी इस वीडियो में, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को हमेशा देखिएगा। जब भी आप कभी मेडिकल स्टोर खोलेंगे या फिर मेडिकल प्रैक्टिस के ग्रुप में आप कुछ करना चाहेंगे तो इसमें आपको बहुत सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि मैंने टैबलेट भी बताई है कि आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी है तो वो तो मेडिकल स्टोर वालों के लिए काम आएगा कि ये टैबलेट रखनी है, ये कैटेगरी में ये टैबलेट्स आती हैं, तो ये तो काम आएगी मेडिकल स्टोर वालों के लिए। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैंने सारी टैबलेट्स होती हैं या फिर इंजेक्शन होते हैं उनके सबके यूज़ भी बताए हैं साथ में, तो यूज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यूज़ के साथ साथ मैंने इसका डोज भी बताने की कोशिश की है, तो यूज़ तो सभी की बताया जाता है कि दो एक टैबलेट छूट गई है शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सारी टैबलेट्स की यूज़ बताया फ्रेंड्स, तो सारी टैबलेट्स की यूज़ बताएँ तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी अच्छे वीडियो बना के आपको तैयार किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सच में अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी एक शुरुआत है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ अच्छा देने की, अच्छा सिखाने की, अच्छा बेस्ट देने की। तो फ्रेंड्स मेरे आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दिल से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना जहाँ से आपके मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं फ्रेंड्स या फिर मेडिकल स्टोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो कुछ मतलब कहीं पर बैठे हुए हैं क्लिनिक पर, तो उस टाइम पर ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और सिखाने में मैं सफल भी रहूँगा फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हुई तो उसके लिए मैं सॉरी मानना चाहूँगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छा सिखा सकूँ, अच्छा बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा रिव्यू तो नहीं है लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो गई वीडियो, लेकिन लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स वीडियो में। तो बस इसी के साथ हम वीडियो एंड करने जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छा सीखने को मिले फ्रेंड्स, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो मेरी कोशिश कामयाब होगी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आर डियर फ्रेंड्स एंड आर यूट्यूब फैमिली, तो मुझे सपोर्ट करिएगा, थैंक यू फ्रेंड्स आर यूट्यूब फैमिली।